यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सोनीपत में हरियाणा पुलिस में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद एक सप्ताह में 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग की ओर से सस्पेंड किया गया है। एक कुंडली थाने में मुंशी तो 2 राय थाने में पुलिसकर्मी के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी हाईवे पर ओवरलोड वाहनों को छोड़ने की एवज में रिश्वत मांग रहे थे। वही मामले की जानकारी देते हुए DSP हरिंदर का कहना है कि रिश्वत लेने के मामले में एक पुलिसकर्मी और एक मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है और एक पुलिसकर्मी को बर्खास्त भी कर दिया गया है और कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को पहले हिदायत भी दी गई थी और अब फिर दी गई है। रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी के खिलाफ जांच जारी है और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा है, हमारे सराय थाने का मामला है। हमारे 2 मुलाजिम जो वीडियो वायरल हुई है उसमें 2 मुलाजिम हमारे आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें एक हमारा कांस्टेबल दिनेश है, एक SP हुए संदीप। जैसे वीडियो वायरल हुई इस पर हमने एक्शन लेते हुए हमें फॉलोज कर दी है और उसमें जो भी मैक्सिमम होगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। SPA को हमने बर्खास्त कर दिया है और जो दिनेश है उनके खिलाफ हमने PC Act की FLOs कर दी है और वो सस्पेंड कर दिया है। डिपार्टमेंट में हमने खोल दी है।